बरेली एक रिश्तेदार के घर गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के घर वालों ने महिला रिश्तेदार पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सिरौली थाना क्षेत्र के गांव गुलगरिया गौरीशंकर निवासी राम रतन के 18 वर्षीय बेटे दीपक की लाश आज सुबह बिशारतगंज थाने के गांव कंधरपुर निवासी उसके एक रिश्तेदार के घर में पाई गई। मृतक के घर वालों ने बताया कि दीपक ने इसी साल इंटर की परीक्षा दी थी और वह अक्सर अपनी महिला रिश्तेदार से मिलने के लिए जाता था और कल शाम को भी वह साइकिल से उसके घर गया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि महिला रिश्तेदार ने उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने बताया कि दीपक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। क्या मामला हुआ आपका, किसकी मौत? 8 बजे खाना उसने खाया, 8 बजे मेरा टाइम था, मैं अभियान पर बैठा हुआ, उसने मुझसे बात नहीं करी। फिर उसके बाद मैं आ गया दुकान पे, दुकान से जा रहे उसने कॉल करी होगी। किसने कॉल करी? जो उसने बुलाया, औरत ने बुलाया। किसने? औरत ने बुलाया। कौन है ये औरत? वो मेरी ऐसी लड़की है, माइंड लड़की। अच्छा, किसे बुलाया? तुम्हारे भाई को? हाँ, मेरे भाई को बुलाया। क्या नाम था भाई का? दीपक। फिर क्या हुआ? साइकिल से गया वो, उसका कत्ल कर दिया। किसने मार दिया? ये औरत ने मार दिया और दो चार और एक आदमी ने मार दिया। अवैध संबंध वगैरह थे क्या उसके? हाँ। क्या काम करता था वो? पढ़ाई करता था। तुम लोगों को सूचना कैसे मिली कि मौत हुई? मेरे अंकल के पास फोन गया था। अच्छा, क्या बताया गया फोन पर? फोन पे ये बताया गया वो फांसी खा ली भाई आते ही। तेई तेई बोले वो मैं खोया वोट दी थी और वो कोई कह रहा चुन्नी प्लेट कहाँ दी, वो कोई कह रहा वो मफलर गई थी। ठीक है, फिर उसने थोड़ी देर बाद किया, जब ये अब उनको कम हो गए, फिर पुलिस वाहन को फोन चट दिया कि वो सोनम उमर गई थी वो भी। उसके बाद तो पुलिस ने तुम्हें सूचना नहीं दी कि तुम्हारे भाई की मौत हुई है? नहीं दी। तुम्हें यहाँ बॉडी पोस्टमार्टम पे मिली या वहीं बता गया? हमें यहीं मिली, यहीं मिली। और सवेरे आए, कोई पुराना विवाद वगैरह भी था क्या? ना पुराना। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।